नमस्कार दोस्तों, मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और आप देख ही रहे हैं कि लगातार हमारा रोज़ पहले तो एक वीडियो जाता था हर एक शाम को 6 बजे, अभी सिचुएशन ऐसा है कि पर डे कम से कम एक दो वीडियो जाता ही है, रिसेंट टॉपिक पे भी जाता है। और अगर कुछ बिजनेस में चेंज हो रहा है या कुछ समाज में ऐसा चेंज हो रहा है जो आपके डेली लाइफ पे इम्पैक्ट कर सकता है तो उस पर भी वीडियोज़ हमेशा जा रहा है। तो ये हमारा जो सीरीज़ है वो चलते रहता है, हमारे व्हाट्सएप पे क्वेश्चन आता है उसके अनुसार हम चीज़ें बनाते हैं। तो अभी एक क्वेश्चन जो लगातार 2-3 दिनों से हमारे पास आ रहा है कि सर, जो कंप्यूटर इंस्टीट्यूट होता है यानी जो एजुकेशनल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट खोलते हैं प्राइवेट में, कि उनको अपना मार्केटिंग बढ़ाना है या मान लीजिए अपना फ्रेंचाइजी बढ़ाना है, तो क्या वो शॉर्टकट तरीका या क्या वो चीज़ वो काम करें या कौन सा ऐसा मार्केटिंग प्रोग्राम करें ताकि उनका जो काम है जल्दी से बढ़ पाए। देखिए, एडवर्टाइजमेंट का तो बहुत सारा मोड है, बहुत लोग न्यूज़पेपर में भी देते हैं, टीवी में भी देते हैं, अपने लोकल में भी, केबल वगैरह में भी देते हैं, मगर देखना आपको है कि आपका बजट कितना है, कितना रुपए आपके पास है ये काम के लिए और कौन सा आपका टारगेट एरिया है यानी कौन से डिस्ट्रिक्ट में या कौन से स्टेट में आप पहले काम करना चाहते हैं। अगर आप पूरा इंडिया लेके चलिएगा तो आपसे काम नहीं होगा, क्योंकि पूरे इंडिया में बहुत कॉम्पिटिशन है और बहुत पैसा चाहिए आपको, तो कंपटीशन को पहले आपको सॉर्ट आउट करना पड़ेगा यानी छोटा करना पड़ेगा। तो छोटा आप कैसे कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए हम वेस्ट बंगाल में हैं तो हम पहले वेस्ट बंगाल को काम करें, वेस्ट बंगाल के जितना डिस्ट्रिक्ट है उसमें काम करें, और इसके बाद अगर ये पूरा चीज़ अगर फैल जाता है तो फिर नेक्स्ट जैसे झारखंड है उसमें जाएँ, फिर बिहार है उसमें जाएँ। ऐसा टाइम पीरियड बना बना के आप काम कर सकते हैं, 6 महीना 7 महीना एक एक स्टेट को आप दे सकते हैं और वहाँ पर काम कर सकते हैं। अब रहा बात कि कौन सा ऐसा मार्केटिंग किया जाए कि इन क्षेत्रों में या आपके डिस्ट्रिक्ट में या आपके स्टेट में आपका इंस्टीट्यूट का बढ़े। देखिए, किसी भी चीज़ का अगर आप काम करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, तो सबसे पहला काम होता है अवेयरनेस। सबसे पहले पब्लिक को ये जानना चाहिए कि ABC इस नाम का कोई कंप्यूटर इंस्टीट्यूट है जो आपके एरिए में है या आप उसको चला रहे हैं, तो ये एक बहुत बड़ा चीज़ है। उसके बाद होता है आपका टारगेट वेट क्लाइंट, कि आप किस क्लाइंट को बेचना चाहते हैं या किस तरह के एज के आदमी को आप बेचना चाह रहे हैं या कौन सा आदमी आपके चीज़ को ख़रीद सकता है। तो देखिए, हमारे ख्याल से इसका सिंपल तरीका है जो हम आपको बता रहे हैं, मानना ना मानना आपके ऊपर है, हर एक आदमी का अपना पर्सनल ओपिनियन और पर्सनल व्यू होता है। अगर हम आपकी जगह होते तो मान लीजिए अगर हमें वेस्ट बंगाल में अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का मार्केटिंग करना है और अपना फ्रेंचाइजी बेस को बढ़ाना है तो हम क्या करते, यहाँ के जितने भी कंप्यूटर इंस्टीट्यूट पहले से ही जो चल रहे हैं, यानी हर एक बिजनेस में तो ऑनगोइंग बिजनेस होता है और कोई ना कोई दूसरे का फ्रेंचाइजी लेके या तीसरे का फ्रेंचाइजी लेके चला रहा है, या हो सके उस जिसका चला रहा है उससे खुश नहीं है, तो हम क्या करते हैं, सबसे पहला हमारा काम होता कि जितने भी वेस्ट बंगाल में कंप्यूटर इंस्टीट्यूट हैं वो सबका हम डाटाबेस खरीद लेते हैं, यानी मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस हम खरीद लेते हैं। हम अपना मैसेज ड्राफ्ट करते हैं कि हाँ, हम ABC कंप्यूटर इंस्टीट्यूट से हैं, हमारा ये फ्रेंचाइजी फीस है, हमारा ये सर्टिफिकेट है जो हम देते हैं, हम ये टाइमिंग में आपको सर्टिफिकेट दे देंगे, हम ये कोर्स कराएंगे, हमारा जो मैटर है किसी और का बुराई ना करके, हमारा जो एडवांटेज है, मैटर है, हम उसमें देते हैं। और उसके बाद थ्रू व्हाट्सएप या बल्क व्हाट्सएप के थ्रू या मैसेजिंग के थ्रू हम इन लोगों के पास अपना मैसेज भेजते हैं। तो अगर मान लीजिए आप दिन में 1000 लोगों के पास भी मैसेज भेजते हैं या 1 महीने में आप 200,000 लोगों के पास भी भेजते हैं और अगर 10 आदमी भी आपका कन्वर्ट होता है तो आपके लिए इनफ है, आपका बिजनेस में यही रेशियो होता है कि 100 लोगों से कीजिएगा तो 2 आदमी से काम होगा, 100 से कीजिएगा और 98 से काम होगा वो नहीं होता है। तो अगर आप ये तरीका अपने कंप्यूटर इंस्टीट्यूट में अपनाते हैं तो निश्चय ही आपका ग्रोथ होगा और आपके पास सबसे ज़्यादा लीड आएगा। जब आपके पास लीड आएगा तो फिर आपके पास क्या होगा, आपके हाथ में ऑप्शन है कि आप अपना कम्युनिकेशन बढ़ा के, अपना पक्ष रख के उसको अपना इंस्टीट्यूट का फ्रेंचाइजी दे सकते हैं या बढ़ा सकते हैं। तो अगर आपको इसमें हमारी मदद चाहिए किसी भी तरीके से तो हम जो है डाटाबेस प्रोवाइड करवाते हैं किसी भी स्टेट का कंप्यूटर इंस्टीट्यूट का। तो अगर आपको उस स्टेट में ग्रो करना है तो आप हमसे डाटाबेस परचेज करके या एक दिन का ट्रेनिंग लेके कि कैसे मार्केटिंग होता है इसका, आप ये काम कर सकते हैं, जिसमें हम आपको एक ही जगह पे ये 2-3 तरीका और भी बता देंगे कि कैसे आप अपने इंस्टीट्यूट को अपग्रेड कर सकते हैं एज ए फ्रेंचाइजी सिस्टम में और ज़्यादा से ज़्यादा मुनाफा कमा सकते हैं। आशा करता हूँ दोस्तों कि ये आपको आंसर अच्छा लगा होगा। अगर ऐसे ही आपके मन में कोई भी क्वेश्चन आए मार्केटिंग से रिलेटेड, कि आपको बिजनेस कैसे बढ़ाना है लाइसेंस के रिलेटेड, तो बेशक आप हमसे व्हाट्सएप में कमेंट कीजिएगा या फिर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम ज़रूर इस पर वीडियो बना के आपको देंगे। इसमें हमारा भी बेनिफिट है कि हमें भी ट्रेनिंग का, डाटाबेस का, इन सब का पैसा मिलता है और आपका भी बेनिफिट है कि आपका भी एक प्रोफेशनल तरीके से आप भी जानकारी हासिल हो जाएगा और आप अपना मार्केटिंग कर पाइएगा। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।